थे हम लोग HNO4 पे थे। HNO4 है आपका परोक्सी नाइट्रिक एसिड, है ना। परोक्सी नाइट्रिक एसिड में सिंपल आपको परोक्सी लिंकेज लगा देना, एक नाइट्रिक एसिड लीजिए उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दीजिए, तो परोक्सी लिंकेज है तो उसको परोक्सी नाइट्रिक एसिड बोल देते हैं, है ना। इसी तरह से परोक्सी नाइट्रस एसिड भी होता है, तो नाइट्रस एसिड में भी एक और ऑक्सीजन लगा दीजिए आप, तो वो क्या बन जाएगा, वो परोक्सी नाइट्रस एसिड बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली मेन तो आपको जो पढ़ने हैं वो ये दो, HNO3 और HNO2, ठीक है। हाइपोनाइट्रस एसिड कैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और बाकी के दोनों तो इनके परोक्सी वाले हैं, है ना। तो परोक्सी नाइट्रिक एसिड और परोक्सी नाइट्रस एसिड, तो मेन है आपके पास HNO3 और HNO2, है ना। इन्हीं की कुछ कुछ रिएक्शंस हैं तो देख लेते हैं जल्दी से, है ना। HNO3 तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HNO3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलिए पहले तुम सबके नेम लिख लीजिए जल्दी से, है ना, फिर आगे इनकी रिएक्शंस देखने के करके बनाइए। क्या डाउट है दिनेश को फोर्थ परोक्साइड में? हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, इससे परोक्साइड का पता लगता है ना कि परोक्साइड है। तो या तो आप HNO4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए या फिर HNO2 और ये O2, मतलब यहाँ पे परोक्सी लिंक किया जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक किया जाए, ये पता किया जाता है, ठीक है ना। चलिए हो गया कंप्लीट, और कहीं कोई डाउट है तो बताइए। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, नेम भी आप ऑलरेडी जानते हैं इनके, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, और बाकी के दोनों परोक्सी वाले हैं, है ना। चलिए तो इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे चलते हैं। अब नाइट्रिक एसिड देखते हैं ना, मेन तो नाइट्रिक एसिड ही अपने लिए। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके NCERT में बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है ना। यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल वगैरह भी गिवन है, तो अब गिवन है तो पता तो होना ही चाहिए आपको, है ना। तो जैसे HNO3 का स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी बना सकते हैं, तो देखिए इधर 130 डिग्री का एंगल होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 102 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। बाकी बॉन्ड लेंथ इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ तो सबसे लोएस्ट होगा, है ना। सब इसके बाद लार्जेस्ट आपके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड है, और इसके बाद ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो 121, तो वो कंपेयर तो कर ही सकते हो आप। चलिए ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखिए, है ना। प्रिपरेशन की बात करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन अगर आप लैब में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सोडियम नाइट्रेट लीजिए या पोटेशियम नाइट्रेट लीजिए और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए बस, है ना। कंसेंट्रेट H2SO4 लीजिए और नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको HNO3 मिल जाएगा, है ना। लैब में इसी तरह से बनाया जाता है HNO3, है ना। एक स्पेशल टाइप का ऐसा ग्लास फ्लास्क होता है ना, इसमें से इसको हीट करते हैं, इस टाइप का फ्लास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हीट किया जाता है, NaNO3H2SO4 को हीट करिए आप, है ना। तो यहाँ से डिस्टिल होकर HNO3 आप दूसरे कंटेनर में इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए रिएक्शन जल्दी से, है ना, याद रखिएगा HNO3 का फॉर्मेशन।
सर। हो गया कंप्लीट? चल ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का स्लैब प्रिपरेशन हो गई है ना। अच्छा, कॉमर्शियल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दोनों मेथड अच्छे से याद रखिएगा। ये कॉमर्शियल मेथड है, कॉमर्शियली किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला आता है ऑसवाल्ड मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए आपको ऑसवाल्ड मेथड। ऑसवाल्ड मेथड में क्या करते हैं, देखो आपके पास अमोनिया है, उसको जो आपका एयर होता है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एयर की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं है ना, एयर ऑक्सीडाइज करता है इंडस्ट्री को। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन के लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो प्लेटिनम या रोडियम टाइप के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं है ना। हाई टेम्परेचर होता है 500 केल्विन तक का, हाई प्रेशर है 9 ATM तक का, ठीक है। और इससे क्या फॉर्म हो जाता है, इससे आपका एनओ फॉर्म हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम एनओ के फॉर्मेशन में ही है ना, क्योंकि एनओ ही थोड़ा सा मुश्किल तरीके से डिफिकल्ट होता है फॉर्मेशन इसका। इसके बाद एनओ अगर फॉर्म हो गया तो फिर तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वापस से ऑक्सीडाइज होकर एनओ टू का फॉर्मेशन कर देता है। और एनओ टू को क्या करिए आप लोग, वाटर से मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा हीट करिए, तो HNO3 फॉर्म कर देता है ना, और साथ में बनता है एनओ, और एनओ को आप वापस से रीयूज हो जाता है ना। तो जो भी आपका साइड में बचता रहता है ना, तो वापस से रीयूज करते रहते हैं उसे, ठीक है ना। वो वापस एनओ टू बनाता है, फिर वापस से HNO3 बन जाता है ना। तो जो डिफिकल्ट स्टेप है वो एनओ का फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो ये मेथड कहलाता है आपका ऑसवाल्ड मेथड है ना, इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स याद रखिएगा है ना, कि अमोनिया को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और तो एनओ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है बर्कलैंड प्रोसेस है ना। बर्कलैंड प्रोसेस में क्या करते हैं, N2 और O2 की रिएक्शन कराते हैं, और आपको पता है N2 और O2 की रिएक्शन आपको बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, तो इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में कराया जाता है। एक एपरेटस होता है, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं, उससे क्या फॉर्म हो जाता है, एनओ फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही तो डिफिकल्ट स्टेप था, बाकी का प्रोसेस तो सेम है। फिर एनओ को क्या कराइए, एनओ को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए, NO2 बन जाएगा, NO2 को वाटर में आप क्या करिए, वार्म वाटर में या हॉट वाटर में डिजॉल्व करके HNO3 आप फॉर्म कर सकते हैं ना। तो बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस ये एनओ का फॉर्मेशन इन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो बर्कलैंड में N2 बस O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में, और वहां पे आप लोग इस तरह से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, समझ में आ गया दोनों प्रोसेसेस। तो दोनों प्रोसेस अच्छे से याद रखते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस से, दोनों ही प्रोसेस से आपको जो HNO3 मिलता है वो 68% ही मिलता है ना। क्यों? क्योंकि उसके बाद फर्दर इसका डिस्टिलेशन आप लोग नहीं कर सकते हो, है ना। उसके बाद एजियोट्रॉप फॉर्म हो जाता है ना, याद है, वाटर के साथ HNO3 एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करता है। बोलिए, याद आया नहीं आया, यस सर। है ना। हाँ, तो नेगेटिव डेविएशन, तो एजोट्रॉप का फॉर्मेशन करता है, तो केवल 68% ही आप लोग डिस्टिल कर सकते हो। अच्छा, इससे ज्यादा अगर आपको प्यूरिटी चाहिए होता है तो उसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन किया जाता है ना। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, अगर आपको ज्यादा प्योरिटी चाहिए तो 98% तक HNO3 आपको मिल सकता है, पर कब, कि आप उसको फिर क्या कराओ, H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन कराओ, H2 को रिमूव कराओ वहां से, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए सारे पॉइंट्स, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, छठा होटल प्रशांत को बर्कलैंड प्रोसेस एक बार और रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, बस एनओ का फॉर्मेशन ही आपका डिफरेंट है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसी रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में, है ना, क्योंकि आपको पता है एटमोसफियर में भी एनओ का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जब लाइटनिंग वगैरह होती है वहीं पे आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉर्मेशन रिएक्ट करके एनओ का फॉर्मेशन करते हैं, तो नेचुरली भी एनओ वहीं से ऐसे फॉर्म होता है। तो वही करते हैं आप, आर्टिफिशियली क्या किए, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करिए और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है ना।
तो एनओ का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल ऑस्वाल जैसा ही है। फिर वापस से क्या होगा, ये प्रोसेस रिपीट कर लेना है इसके बाद, फिर सेम प्रोसेस, ठीक है। तो एच ओन थ्री आपको मिल जाएगा। सर मैं चलिए हाँ जी, हो गया कंप्लीट, आगे चले फिर। चलिए देख लिया सर ने अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, है ना। फॉर्मेशन समझ में आ गया, लैब मेथड हो गया, कॉमर्शियल मेथड देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहला कलरलेस लिक्विड होता है, चलिए वो सब जानते हैं। इसके बाद HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है, बिल्कुल करेगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस फाइव में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह ये करेगा। तो क्या करता है, जितने आपके नॉन मेटल्स होते हैं उन सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो उसको देखो H2CO3, है ना, कार्बनिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया। सल्फर की रिएक्शन कराओगे तो H2SO4, ठीक है ना। फॉस्फोरस की रिएक्शन कराओगे तो H3PO4 में कन्वर्ट कर देता है। आयोडीन की रिएक्शन कराओगे तो HIO3 में कन्वर्ट कर देता है। तो देख सकते हो, देखो जितने भी नॉन मेटल्स हैं सबको ऑक्सीडाइज करता जा रहा है, और खुद जो होता है HNO3 में नाइट्रोजन होता है वो रिड्यूस रहता है NO2 में, तो हमेशा NO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो सिमिलर है ना, याद रखने का तरीका, नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर दो उनके एसिड में, देखो, और HNO3 को रिड्यूस कर देना आपको NO2 में, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स की बारी आती है। मेटल्स के साथ देखो आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करता है ना। HNO3 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज तो करेगा, है ना, पर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है ना, या फिर टेम्परेचर आपने किस पे मतलब कितना लिया है टेम्परेचर रेंज, उस पर भी डिपेंड कर जाता है फाइनल प्रोडक्ट, है ना, पर ऑक्सीडेशन तो करना ही। तो जिंक का देखो जैसे ऑक्सीडेशन करता है, तो वेरी डाइल्यूट अगर आप HNO3 लेते हो ना तो नाइट्रेट तो बनेगा, जिंक नाइट्रेट, पर साथ में NH4NO3 बन जाता है, अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। और यही अगर आप डाइल्यूट लेते हो, थोड़ा कम डाइल्यूट लेते हो, तो N2O का फॉर्मेशन करता है, जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, कंसंट्रेट के साथ भी देखो जिंक नाइट्रेट बनेगा पर NO2 का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ये डिफरेंट है, ये प्रोसेस डिफरेंट है ना, यही आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और आयरन के साथ भी यही होता है, जिंक के साथ और आयरन के साथ सेम टाइप का प्रोसेस है, दोनों के साथ सेम टाइप की रिएक्शन होती है, वही नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, सब कुछ सेम है, जिंक और आयरन एक जैसे होता है, ठीक है। कॉपर के साथ अगर बात करेंगे तो देखो डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रेट तो बनेगा ना, वो तो सब में नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, साथ में डाइल्यूट है तो NO में रिड्यूस हो जाएगा, और अगर कंसंट्रेटेड है तो NO2 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड में ज्यादातर NO2 का फॉर्मेशन होता है, जितने भी कंसंट्रेटेड वाले केस देखोगे ज्यादातर क्या बनेगा आपका, देखो ऊपर भी देखो नॉन मेटल्स के साथ भी देखो, जहां भी कंसंट्रेटेड है वहां पे NO2 का ही फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। तो ज्यादा क्या बनता है आपका, NO2 का फॉर्मेशन होता है। जैसे SN के साथ रिएक्शन कराई, देखिए डाइल्यूट है तो SN तो चलो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, है ना, और डाइल्यूट के साथ क्या बन गया, अमोनियम नाइट्रेट, और अगर कंसंट्रेट लोगे तो फिर देखो NO2 का फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये तो हो गया चलो सिंपल सिंपल रिएक्शन। अच्छा कुछ मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं HNO3 के साथ, रीजन ये नहीं है कि HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीजन है कि शुरुआत में क्या होता है रिएक्शन करके एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है उनके ऊपर, है ना, तो वो जो ऑक्साइड का लेयर है उसके साथ फिर आपका HNO3 रिएक्ट नहीं कर पाता। आपके पास डिफरेंट मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, देखिए जैसे लेड हो गया, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, निकल है, है ना, सिल्वर है, मरकरी है, गोल्ड हो गया, इनके ऊपर क्या होता है ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट है, ठीक है, तो HNO3 के साथ फर्दर रिएक्शन फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए जल्दी से सिंपल सिंपल रिएक्शन है, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HNO3 की, सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए
हो गया कंप्लीट? नहीं सर, एक नो सर। ठीक है ठीक है, देखो जल्दी। ओके सर। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। बोलिए, लिख गया सबने? आगे चले? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जानते सब लोग, HNO2। प्रिपरेशन करना है तो बेरियम नाइट्राइट लीजिए, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए, आपको HNO2 मिल जाए, साथ में बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को HNO2 मिल जाता है। अच्छा, एक रिएक्शन आपको भी पता है HNO2 के फॉर्मेशन का, कोई बताएगा? ऑर्गेनिक वाले पोर्शन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, बोलो। 11th में भी पढ़ा था, POC वाले चैप्टर में, अभी 12th में भी एरोमेटिक वाले टॉपिक में भी आपको बताया था HNO2 का फॉर्मेशन का एक रिएक्शन। और बोलो, किसी को याद है तो? नहीं, किसी को याद? सर वो सोडियम NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो नाइट्राइट है ना, देखो बेरियम नाइट्राइट हो, सोडियम नाइट्राइट है, एसिडिक मीडियम रिएक्शन करा रहे हो, H2SO4 हो, HCl हो, तो यहाँ भी आप लोग H2SO4 ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा? याद है HNO2 का फॉर्मेशन करता है, बोलिए। और NaCl अलग हो जाता है, तो ये रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन ज्यादा है। आप बेसिक तो पढ़ाई है कम से कम आपने, है ना, और अभी जब वापस से हम लोग एरोमेटिक पे आएंगे तो ये रिएक्शन आपको मेन पढ़ना है, उसमें डाइएजोटाइजेशन ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से HNO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्यों बनाया जाता है HNO2, क्यों हम लोग इस तरह से लिखते हैं NaNO2HCl? क्योंकि जो HNO2 होता है ना, वो अनस्टेबल होता है, याद रखना है ना, बाद में पूछना मेरे से कि HNO2 को हम लोग इस तरह से क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा के, क्योंकि रिएजेंट आपको हमेशा यही मिलता है NaNO2HCl, जबकि NaNO2HCl के साथ रिएक्शन नहीं कराना है, आपको रिएक्शन किससे कराना है? HNO2 के साथ कराना है। पर HNO2 कैसा होता है? अनस्टेबल टाइप का होता है, ठीक है ना, वीक एसिडिक है और एक्वस सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है केवल और केवल, ठीक है ना, क्योंकि बाद में क्या कर जाता है, फिर वापस से डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? HNO3 और NO में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। जब भी आपको रिएक्शन कराया जाता है तभी तुरंत आपको प्रिपेयर करना होता है HNO2, ठीक है ना, क्योंकि अनस्टेबल है वो, ठीक है ना। चलिए, दूसरा है HNO2 भी आपका एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी आपके नॉन मेटल्स को, जैसे देखो I- को I2 में है ना, Fe2+ को Fe3+ में, 2+ को SN4 में, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NO में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो सिंपल याद रखो, ठीक है। अगर आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO2 से भी ज्यादा, तो वो क्या करता है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल, इसी में ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ना, तो ये सिंपल से पॉइंट है, तो याद रखिएगा। मेन तो ये है कि HNO2 अनस्टेबल टाइप का होता है, ठीक है ना, और खुद डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसमें? HNO3 और NO में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए जल्दी।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। बताइए आगे चलें। चलिए ठीक है, तो नाइट्रस एसिड समझ में आ गया आपका ना, ये दो हैं जो मेन है जो आपको पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब फास्फोरस की बारी आती है। फास्फोरस में देखो, फास्फोरस की बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है ना, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, तीन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं इसकी, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, है ना। थ्री आपके इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट और येलो फॉस्फोरस की, ठीक है ना। चलिए, अच्छा होता व्हाइट फॉस्फोरस ही है, वो येलो अपीयर करता है क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से येलोश पड़ जाता है वो, ये कि ऑक्सीडेशन की वजह से कैसा हो जाता है, येलोश टाइप का हो जाता है, तो इसलिए वैसे होता है व्हाइट फॉस्फोरस ही। तो व्हाइट भी बोलते हैं येलो भी बोलते हैं, एक ही बात है, दोनों सेम ही है, व्हाइट और येलो फॉस्फोरस। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो, इस तरह का ये टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक फॉस्फोरस आपका तीन डिफरेंट फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होता है, मतलब पी फोर टाइप का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, याद रखना पी फोर मॉलिक्यूल है। इस वजह से एक फॉस्फोरस तीन फॉस्फोरस के साथ डिफरेंटली अटैच रहता है, और ये वाला फॉस्फोरस फिर से तीन डिफरेंट फॉस्फोरस के साथ अटैच है, देख सकते हो। ये वाला फॉस्फोरस ही देखो, तीन डिफरेंट फॉस्फोरस के साथ अटैच है। तो इस टाइप का टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। हाईली रिएक्टिव होता है, फॉस्फोरस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हाइट फॉस्फोरस ही होता है। रीजन क्या है देख सकते हो, हाई एंगल स्ट्रेन, देख सकते हो ना, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना हुआ है, तो समझ ही सकते हो कितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है इसमें, ठीक है ना। तो इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। पॉइजनस टाइप का होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है ना, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है फॉस्फोरस जो होता है, ठीक है ना। इनसॉल्यूबल है वाटर में, है ना, सी एच टू में, क्योंकि सी एच टू आपका नॉन पोलर टाइप का होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इसलिए इसमें सॉल्यूबल होता है ना, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है पी फोर। अच्छा, एक इसका स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, बाकी फॉस्फोरस में नहीं होता है, वो कौन सा है कि ग्लो करता है डार्क में, है ना, ऑक्सीडेशन की वजह से ग्लोइंग आती है इसमें से। इस प्रॉपर्टी को केमी ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, केमी ल्यूमिनेसेंस मतलब ग्लोइंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि व्हाइट फॉस्फोरस में केमी ल्यूमिनेसेंस होता है ना, ग्लो करता है डार्क में, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए सिंपल सिंपल इसके पॉइंट्स, ठीक है ना। अब अगर आप फॉस्फोरस की रिएक्शन करा देते हो, हीट कर दो NaOH के सॉल्यूशन में, है ना, इसको बॉइल कर दीजिए, तो फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है ना, मतलब NH P4 का रिएक्शन कराना है आपको NaOH के साथ सीधा, तो फॉस्फीन बन जाएगा, PH3 फॉस्फीन होता है, ठीक है। अगर आप इसको एयर में ओपन भी रख देते हो तो ये भी क्या करता है, एयर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो खुद ऑक्सीडाइज होकर P4O10 का फॉर्मेशन करता है ना, व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं आपको, तो है ना, एयर के साथ ऑक्सीडेशन करके P4O10 का फॉर्मेशन करता है, याद रखना, है ना। बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है तो ओपन एयर में रखते ही क्या कर जाता है, वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, है ना, P4O10 का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बताइए। सर वो थर्ड, चलिए इतना लिखिए, थर्ड पॉइंट के ब्रैकेट में केमी ल्यूमिनेसेंस लिखा हुआ है ना, मतलब केमी ल्यूमिनेसेंस मतलब ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, ये होती है ग्लोइंग करने वाली प्रॉपर्टी, है ना, लाइट प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। yes, स्पेलिंग अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो केमी ल्यूमिनेसेंस, है ना, केमी ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको। चलिए लिख लीजिए जल्दी से इतना।
हो गए कंप्लीट। चलिए केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है ना व्हाइट फॉस्फोरस का, ऑक्साइड ऑक्सीडेशन होता रहता है तो वो ग्लो करता रहता है, तो बिल्कुल डार्क में जो आप रख देते हैं तो हल्का ग्लो मिलता है इसको देखने को, है ना, इसलिए इसको केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रेड फॉस्फोरस की, है ना। तो रेड फॉस्फोरस आप कैसे बना सकते हो, व्हाइट फॉस्फोरस को बस आपको हीट करना होता है 573 केल्विन तक, ना 573 केल्विन पे इसको हीट करिए, ठीक है ना, एयर वगैरह नहीं होना चाहिए ना, अलग से इसको हीट करिए अगर आप लोग सील बोतल में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, रेड फॉस्फोरस का फॉर्मेशन हो जाता है। रेड फॉस्फोरस एक्चुअली देखो व्हाइट फॉस्फोरस क्या था आपके पास, इस टाइप का टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर था ना, जिसमें फॉस्फोरस एक दूसरे कंबाइन होकर इस तरह से टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे थे। इसमें क्या होता है कि पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, एक फॉस्फोरस दूसरे यूनिट के साथ अटैच हो जाता है, तो इस तरह से देखो दिखाई दे रहा है, एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन है, दूसरा तीसरे के साथ कंबाइन है, तो P4 पर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो चेन पॉलीमर ऐसे बन जाता है पूरा, ठीक है समझ आ गया किस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, अब थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो स्ट्रेन में रिलैक्स हो गया, ठीक है ना, पॉलीमर भी बन रहा है, तो व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेरिजन में कैसा होता है, लेस रिएक्टिव टाइप का होता है, तो ऑर्डर लेस है ना, ये इनसॉल्युबल होता है दोनों में ही, क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि पॉलीमर है, तो लार्ज चेन पॉलीमर जो होते हैं वो आपके हर टाइप के मीडियम में इनसॉल्युबल टाइप के होते हैं, है ना, जितना भी लार्ज टाइप का होगा वो सब वाटर में भी इनसॉल्युबल होते हैं और इस टाइप के सॉल्वेंट में भी, नॉन पोलर टाइप सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल ही रहते हैं, ठीक है। अगर आप रेड फॉस्फोरस रिएक्शन कराना चाहते हो NaOH के साथ तो रिएक्शन नहीं करता जनरली, ठीक है ना, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस कर जाता है, रेड फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन कराओगे है ना, तो ऑक्सीडेशन करके P4O10 बनाएगा, है ना, पर व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट ऑक्सीडेशन होता है इसका, है ना, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव टाइप का है बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए जल्दी से रेड फॉस्फोरस, फिर ब्लैक फॉस्फोरस देखते हैं, और रेड फॉस्फोरस ही जनरली रिएक्शन वगैरह में यूज करते हैं, है ना, आगे हम लोग रिएक्शन वगैरह भी देखेंगे ऑर्गेनिक में, तो जनरली जहां भी आपको फॉस्फोरस मिलेगा ना रिएक्शन में तो याद रखना वो हमेशा रेड फॉस्फोरस ही होता है ना। जैसे एक रिएक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हो, याद है रिडक्शन वाली रिएक्शन याद करो, फॉस्फोरस HI के साथ रिडक्शन करते थे, याद आया, हाँ, तो वो फॉस्फोरस कौन सा होता था, वो रेड फॉस्फोरस ही होता है, क्योंकि रेड फॉस्फोरस रिलेटिवली स्टेबल होता है ना, व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो उसको रिएक्शन वगैरह हम यूज नहीं करते हैं, तो जितना भी रिएक्शन वगैरह होता है जनरली रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है ना, इसलिए रेड फॉस्फोरस लिखा गया था वहां पर, देखा होगा आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वहां पर, ठीक है ना। हाँ जी फॉर्मूला P4 ही था ना, P4 यूज करते हैं, ठीक है ना, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। चलिए हो गया कंप्लीट आगे चलें, नेक्स्ट आता है आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस और भी लेस रिएक्टिव टाइप का होता है, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हो, सबसे रिएक्टिव है व्हाइट, फिर सेकंड नंबर पे रेड आता है, और सबसे कम रिएक्टिव टाइप का आपका ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कैसे मिलता है, देखो दो फॉर्म्स होती है ब्लैक फॉस्फोरस की भी, अल्फा और बीटा, है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेसिस पर है और कुछ नहीं है इनका। तो अल्फा अगर ब्लैक अगर आपको फॉस्फोरस चाहिए तो कैसे मिलता है, रेड फॉस्फोरस को आप हीट कर दीजिए किस पर, 803 केल्विन पे हीट कर दीजिए, बता और ज्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट कर दीजिए तो अल्फा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल टाइप का हो जाता है, मोनोक्लिनिक या रोम्बोहेड्रल टाइप का,
है, तो स्ट्रक्चर की वजह से बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना, केमिकली इनर्ट है, तो इसलिए जनरली केमिकल रिएक्शंस वगैरह में इसको यूज करते ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, जबकि आपके रेड और व्हाइट वाले दोनों ही रिएक्ट कर रहे थे। सबसे रिएक्टिविटी व्हाइट की होती है, फिर उससे कम रिएक्टिविटी रेड की होती है, और अल्फा की तो बहुत ही कम होती है, ब्लैक फॉस्फोरस की, तो है ना। ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता जब तक आप बहुत ज्यादा हीट ना करो उसको, है ना। तो बहुत ज्यादा हीट करोगे तब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक और डिफरेंस है, नॉन कंडक्टर होता है ना, जबकि जो बीटा वाला होता है वो थोड़ा सा सेमी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अल्फा बीटा में पहला। तो बीटा वाले में क्या होता है, बीटा में कैसे फॉर्म होता है, तो इसको हीट कराओ आप लोग, व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करिए 473 केल्विन पर, और बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, है ना। ये इनर्ट टाइप का होता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ठीक है ना, लेयर लेयर्ड की फॉर्मेशन करता है ये, है ना। मतलब एक फॉस्फोरस बाकी के तीन फॉस्फोरस के साथ अटैच है, पर किस फॉर्म में, लेयर्ड की फॉर्म है, तो लेयर लेयर के साथ होता है ना, इसलिए सेमी कंडक्टर भी होता है, ठीक है ना। तो बस सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं ना, याद रखना, सिंपल याद रखो कि दो फॉर्म होती है, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक, ठीक है ना, और लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, केमिकली इनर्ट है बस। चलिए लिख लीजिए जल्दी से अपना पॉइंट। डन सर। और हाँ जी, हो गया कंप्लीट, ठीक एक मिनट। यस सर। है। गया। चल ठीक है, तो थ्री टाइप के फॉस्फोरस हो गए आपके पास, व्हाइट रेड और ब्लैक, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फीन की। सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं इसका, फॉस्फीन, ठीक है, PH3, जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉस्फीन का फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो कैल्शियम फॉस्फाइड याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, है ना। कैल्शियम तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फीन, PH3 का फॉर्मेशन करता है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉस्फीन के फॉर्मेशन की, ठीक है ना। या फिर कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन आप HCl के साथ भी करा सकते हो, तो वही फॉस्फोरस H लेके क्या बन जाता है, PH3 का फॉर्मेशन कर देता है। जब वो वाटर से H ले सकता है तो HCl के पास वो H है ही ना, वो तो ज्यादा एसिडिक है ही, तो फॉस्फिन का फॉर्मेशन तो होना ही है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, व्हाइट फॉस्फोरस को वही अभी आपको बताया था NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, ये जस्ट अभी पढ़ी है आपने रिएक्शन, तो भी फॉस्फिन का फॉर्मेशन होता है, ज्यादा है NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को, तो PH3 बनता है। अच्छा, फॉस्फीन ना खुद नॉन इन्फ्लेमेबल टाइप की गैस है ना, पर देखने को मिलता है कि ये इन्फ्लेमेबल है, तो ऐसा नहीं कि फॉस्फीन की वजह से इन्फ्लेमेबल है, इन्फ्लेमेबल होती है इम्प्यूरिटीज की वजह से, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज होती है P2O4,
देखो पीएसटी का डायमर एक तरह से P2O4, ये हाईली फ्लेमेबल होता है ना। तो इनफ्लेमेबल होता है पीएसटी को बोला जाता है कि इनफ्लेमेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज ऑफ P4 और P2H4 है ना, तो इनकी वजह से इनफ्लेमेबल होता है वो, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी जो सेल्फ कंबशन वाली प्रॉपर्टी है वो काफी जगह यूज भी करते हैं इसका, है ना, एप्लीकेशन भी है इसका। चलिए वो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि अगर आपको इसको प्यूरीफाई करना है, मतलब ये इम्प्यूरिटीज इसकी हटानी है, तो क्या करते हैं, इसको HI के साथ डिसॉल्व कर देते हैं। तो क्या करता है, PH3 HI के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब आपको पता है PH3 है बेसिक है, जैसे अमोनिया होता है अमोनिया की तरह PH3 बेसिक है ना, लेस बेसिक होता है, फिर भी HI तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे जो आप बेस का, तो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो PH3 क्या बन जाएगा, ये फॉस्फोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो फॉस्फोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे अमोनियम अमोनिया करता है अमोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन, इस तरह से फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाएगा। और फिर क्या करो आप, फॉस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन KH के साथ कर दो, है ना, तो क्या बन जाएगा, KI का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको PH3 मिल जाएगा, है ना, तो प्योर फॉर्म में आपको PH3 मिल जाता है फिर, है ना। तो इस तरह से प्यूरीफाई करता है PH3 को, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, है ना, फिर आगे चलते हैं इसकी रिएक्शन वगैरह की तरफ। हो गया कंप्लीट? नो सर। चलो चलो देखो जल्दी। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। हाँ जी, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में कलरलेस तो होता है, ये ठीक है। एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसका जो स्मेल होता है रोटन फिश लाइक होता है ना, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ना, स्पेशली हर जगह ये लिखा रहता है रोटन फिश लाइक स्मेल, है ना। पॉइजनस तो है ही, PH3 पॉइजनस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोर्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3, Cl2 या Br2, है ना। तो अगर वेपर फॉर्म में भी है तो भी क्या कर जाता है, एक्सप्लोर कर जाता है PH3 जो होता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में। PH3 अगर लाइट के प्रेजेंस में आप रखेंगे इसको, वाटर वगैरह है, तो ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है ना लाइट के प्रेजेंस में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, P4 में कन्वर्ट हो जाता है रेड फॉस्फोरस में, ठीक है। HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या कर देगा, Eg को प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है। चलिए CuSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है ना। HgCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी फॉस्फाइड बनाएगा, ठीक है ना। वही सेम रिएक्शन PH3 की रिएक्शन HBr के साथ करेंगे तो वही जैसे HI के साथ रिएक्शन कराया था वैसे ही, जैसे वहां पे HI के साथ क्या बन गया था, फॉस्फोनियम आयोडाइड बन गया था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा ना। वो तो सब सेम रिएक्शन है PH3 HBr के साथ वाली, तो PH3 HI के साथ रिएक्शन कराओ, HBr के साथ रिएक्शन कराओ, सेम एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और मेटा क्लोराइड से रिएक्शन कराओ तो इनके सॉल्ट के साथ, तो फॉस्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है,
हाँ सिल्वर के साथ थोड़ा अलग है, सिल्वर की रिएक्शन कराओगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर देता है, तो ये रिएक्शन भी याद रखना ठीक है। चलिए देख लीजिए सिंपल सा है ना, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है, ये तो जरूरी याद रखना है आपको हमेशा इसका PH3 के लिए। Oh yes. Okay, complete. बोलिए देखिए। चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी बार आया हुआ है कि होम सिग्नल में यूज करते हैं फॉस्फिन का यूज जो होता है वो होम सिग्नल में होता है, तो अब आपको होम सिग्नल पता होना चाहिए, होम सिग्नल क्या होता है। तो देखो होता क्या है होम सिग्नल, तो एक कैन होता है इस है ना, तो इस कैन के अंदर क्या करते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड स्टोर कर देता है ना, तो इसमें क्या डाल दिया आपने, इसमें डाल दिया कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस कैल्शियम कार्बाइड है ना, स्टोर करके रख लिया। जब भी आपको सिग्नल वगैरह देना होता है शिप वगैरह पे पहले यूज करते थे, तो इसको पियर्स करते हैं यहाँ से है ना, तो पियर्स हो करके इसमें होल हो गया और इसको वाटर में फेंक दो सी में, तो जैसे आप वाटर में इसको फेंकोगे तो क्या करेगा, तो कैल्शियम फॉस्फाइड भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बाइड भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है PH3, कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है एसिटाइलीन, इथेन का फॉर्मेशन करता है ठीक है ना। अब इनका यूज क्या है, तो देखो एसिटाइलीन तो बर्न होता है ना, एसिटाइलीन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है बर्न होने की, तो ये तो बर्न होता है, तो बर्न होगा तेजी के साथ तो सिग्नल की तरह काम करता है ना, बर्न की तरह तो ठीक है। PH3 का क्या यूज है, PH3 का स्पॉन्टेनियस कंबशन काम आता है ना, क्योंकि एसिटाइलीन खुद से कंबस्ट नहीं कर सकता, तो क्या करता है PH3 इसको क्या करता है कंबस्ट कराता है, तो PH3 कंबस्ट होता है और क्या करता है इस एसिटाइलीन को बर्न करने में पड़ता है, बर्न कराता है ठीक है। तो इस बर्निंग से जो बर्निंग होता है उससे आपको सिग्नल मिल जाता है, तो शिप्स वगैरह में यूज करते हैं पहले है ना, इसको होम सिग्नल बोला जाता है, याद रखना होम सिग्नल है ना, काफी बार क्वेश्चन आया भी हुआ है ठीक है कि क्या यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिग्नल के लिए, फॉस्फीन और एसिटाइलीन ठीक है, याद रहेगा। बोलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट है PH3 स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल होता है ना, CH2 में सॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होता है ना, वाटर में थोड़ा कम होता है बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है PH3 है ना। चलिए ये तो ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, देख लीजिए जल्दी से।
हाँ जी हो गया कंप्लीट। बोलिए लिख लिया सबने। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स की। ठीक है पीएचसी हो गया आपका कंप्लीट। फास्फोरस हैलाइड्स पे आते हैं। फास्फोरस के दो टाइप के हैलाइड बना सकता है, PX3 टाइप की भी बनाता है, PX5 टाइप की बनाता है। क्योंकि फास्फोरस के बाद वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तो PX5 टाइप के हैलाइड भी फॉर्म कर लेता है। PX3 टाइप के हैलाइड्स वो सबके साथ बना लेता है, फ्लोरीन के साथ भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पर PX5 टाइप के हैलाइड्स केवल फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ फॉर्म कर सकता है। PI5 आपका एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत लार्ज होता है, फास्फोरस 5 आयोडीन को एकोमोडेट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए PI5 नहीं बनता है ना। PX3 सब बन जाते हैं और PX5 केवल फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइड के साथ बनाते हैं। ठीक है चलिए PCl3 की बात करते हैं। सबसे पहले PCl3 का स्ट्रक्चर सबको पता है ना। PCl3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है ना, पिरामिडल टाइप का शेप होता है, सब जानते हैं PCl3 के बारे में। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फास्फोरस लीजिए, व्हाइट फास्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सीधा Cl2 रिएक्शन कराओगे PCl3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि रिएक्टिव तो होता है व्हाइट फास्फोरस, क्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके PCl3 बना देता है। या फिर आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओ तो सब क्लोरीन के सोर्स ही तो है, SOCl2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, तो SOCl2 भी क्या करता है PCl3 बना देता है और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है SO2 और H2Cl2 में। ठीक है तो अल्टीमेटली PCl3 तो बन ही रहा है। ठीक है चलिए इतना लिख। ओके कंप्लीट। चल ठीक है प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कलरलेस होता है, ऑयली टाइप का होता है PCl3, हैलाइड सब जनरली ऑयली टाइप ही होता है। ठीक है PCl3 हाइड्रोलाइज इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है और H3PO3 का फॉर्मेशन करता है ना, मतलब मॉइस्चर के साथ ही हाइड्रोलाइज कर जाता है ना, मॉइस्चर के साथ भी। तो किसका फॉर्मेशन करता है, H3PO3 प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है ना। अब कुछ ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस आ गई कि ये OH कंटेनिंग ग्रुप के साथ रिएक्शन कर लेता है जिनमें भी OH टाइप का ग्रुप होता है, जैसे कौन सा हो गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है ना, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ORM3 का पार्ट है अपना, PCl3 की रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो देखो Cl आ गया OH की जगह पर, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना। तो PCl3 क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है और एल्कोहल को क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है ना, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है नेक्स्ट है PCl3 की रिएक्शन कराओगे आप SO3 के साथ, तो POCl3 का फॉर्मेशन करता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 में। ठीक है या PCl3 रिएक्शन कराओगे H2Cl2 के साथ, तो PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो मतलब एक्स्ट्रा
अगर आप रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ तो पीसीएल फाइव बन जाता है, पीसीएल थ्री, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए जल्दी से, है ना। तो ये रिएक्शन तो चलो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ ही लेंगे, और एक ये वाला रिएक्शन हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट। बताइए देखिए सबने लास्ट पेज, पहले ये हो गया कंप्लीट, लास्ट पेज में क्या है बताओ। चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीएल फाइव का। पीसीएल फाइव भी आप लोगों को पता है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, जानते सब लोग। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये इक्वेटोरियल वाले क्लोरीन होते हैं, दो एक्सियल वाले क्लोरीन है, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, याद है ना सबको, वही सेम स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर तो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी पीसीएल फाइव का, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो p4 वही व्हाइट फॉस्फरस लीजिए और एक्सेस में क्लोरीन ले लीजिए। इस बार अगर आप लिमिटेड लेते हैं तो PCl3 का फॉर्मेशन होता है, और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो PCl5 तक बन जाता है, ठीक है। तो वही सेम रिएक्शन है, P4 के साथ रिएक्शन कराओ SO2Cl2 के साथ, एक्सेस में है वही भी तो भी PCl5 बन जाएगा, या डायरेक्ट क्लोरीन ले लीजिए PCl3 के साथ तो भी PCl5 बन जाएगा, है ना। तो इन मेथड से आप लोग PCl5 का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है ना। चलो लिख लो जल्दी से स्ट्रक्चर, और ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है ना PCl5 की, बनाइए। कंप्लीट, चलिए ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना। तो भैया PCl5 और भी ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज कर जाता है, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में POCl3 बना लेता है, और अगर एक्स्ट्रा आपके पास H2 है तो POCl3 फर्दर हाइड्रोलाइज होकर H3PO4 का फॉर्मेशन करता है ना। या फिर आप खुद PCl5 का एक्सेस में हाइड्रोलाइज कराइए तो क्या बन जाएगा आपका, H3PO4 बन जाएगा, ठीक है। तो H3PO फाइनली हाइड्रोलाइज हो जाता है ना। लिमिटेड है तो POCl3 और एक्सेस है तो H3PO4। इसके अलावा वही सेम रिएक्शन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन, एल्कोहल के साथ भी हैलाइड का फॉर्मेशन। तो सेम रिएक्शन है, PCl3 के साथ रिएक्शन कराओ या PCl5 के साथ रिएक्शन कराओ, यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि PCl5 आपका POCl3 में कन्वर्ट होता है,
ये इम्पोर्टेंट है पीओसीएलसी वाला पोर्शन, ठीक है ना। चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, वही एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है ये। नेक्स्ट है सिल्वर के साथ रिएक्शन कराओगे पीसीएल फाइव का, तो वही पीसीएल थ्री बनता है और एजीसीएल बन जाता है। एसएन के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसएनसीएल फोर बन जाता है, मतलब हैलाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखो सिल्वर के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिल्वर हैलाइड बन जाएगा, एसएन के साथ कराओगे तो एसएन हैलाइड बन जाएगा। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स का फॉर्मेशन भी कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पीसीएल फाइव को अगर आप हीट करते हो तो पीसीएल थ्री और सीएल टू में ब्रेक कर जाता है। और आपको ये भी पता है कि ये दो जो सीएल हैं जो रिमूव हुए हैं वो कौन से होते हैं, बताओ कौन से क्लोरीन है ये? एचजीएल। हाँ एक्सजीएल वाले जो क्लोरीन होते हैं, क्योंकि वीक बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वीकर बॉन्ड्स हैं। इसी से तो पता लगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 होता है वो pd हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना होता है ना, sp2 और pd हाइब्रिडाइजेशन, ज्यादा सारे पॉइंट्स। तो वही सेम रिएक्शन है pcl5 pcl3 में और cl2 में ब्रेक डाउन करता है। अच्छा सॉलिड स्टेट वाला भी आपको पढ़ा रखा है पहले कि pcl5 सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस तरह से pcl4+ और pcl6- के फॉर्म में। pcl4+ टेट्राहेड्रल शेप का होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और pcl6 ऑक्टाहेड्रल है, sp3 2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। क्या था सब ये वाले पॉइंट लिखे हुए आपके ऑलरेडी पहले, ठीक है ना। और ये भी बताया था साथ में इसी के कि pbr5 इसकी तरह अब एग्जिस्ट करता तो आयनिक फॉर्म में है, पर pbr4+ और 6- माइनस नहीं करता, क्योंकि pbr6- माइनस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो pbr5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, pbr4+ और br- के फॉर्म में। ये भी आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो वही पॉइंट्स है, वो आप इसे रिपीट होगा पॉइंट, ठीक है ना, याद रखने हैं। और अगर आपने SO2 के साथ रिएक्शन कराया तो POCl3 में कन्वर्ट हो जाता है ना। चलिए सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, है ना। हो गया कंप्लीट, डन। चल ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, है ना। और इसमें भी आपके जो मेन है वो आपके H3PO4 है, ये स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। H3PO4 को ऑर्थो फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, याद है सबको, स्ट्रक्चर भी याद है, ट्राई बेसिक एसिड होता है ये, 3 OH डोनेट कर सकता है,
याद है ना स्ट्रक्चर, H3PO3, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ये डाइबेसिक होता है, केवल दो ही एच रिमूव कर सकता है, एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ अटैच होता है, याद रखना है इसमें, है ना। नेक्स्ट आता है H3PO2, इसमें दो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, तो ये रिमूव नहीं होता, एसिडिक नहीं है, केवल एक एसिडिक एच होता है, मोनोबेसिक एसिड है वो, है ना। तो मेन पॉइंट तो यही है सबसे, है ना, कि H3PO4 ट्राइबेसिक होता है, H3PO3 डाइबेसिक होता है, और H3PO2 आपका मोनोबेसिक होता है, ठीक है ना। नेम पता है, स्ट्रक्चर पता है, और आपको इसका प्रॉपर्टीज पता है ना। अच्छा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा H3PO2 का होता है, मतलब एक एक एच रिमूव करने की बात करो ना, तो एक एक एच को कंपेयर करो केवल, है ना, मतलब PK1 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग केवल एक एक एच को, तो H3PO2 ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, उससे कम एसिडिक होता है H3PO3, और उससे कम एसिडिक होता है H3PO4, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसको थोड़ा याद रख लेना, है ना, एक तरह से एक्सेप्शन ही है ये, है ना। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट है तो बोलिए, समझ में आ गया था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नेम तो पहले से पता थे आपको। चलिए अब जल्दी जल्दी इन सबका नेम, फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फॉस्फोरस का, वो तो चलो आप खुद भी बता सकते हो, और प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल सिंपल एक प्रिपरेशन दे रखा है इसका, तो वो सब आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो क्या करना है, केवल आपको फॉस्फोरस के साथ एल्कली यूज कर देना है ना, कोई भी KOHNH यूज करिए तो आपका H3PO2 बन जाएगा। और तो फॉस्फोरस एसिड लीजिए H3PO3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना, रिएक्शन कराना है तो P2O3 की रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, H3PO3 आपका फॉर्म हो जाएगा। पायरोफॉस्फोरस है H4P2O5, वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, PCl3 की रिएक्शन कराओ H3PO3 के साथ, तो आपका H4P2O5 फॉर्म हो जाएगा, है ना। अभी स्ट्रक्चर वगैरह भी देख लेंगे इनके, और वैसे हम लोगों ने बनाए भी हुए हैं सबके स्ट्रक्चर, है ना, बिन के टाइम BIN जब हम लोगों ने पढ़ा था 11th में, तब सबके स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, याद है ना, सबके स्ट्रक्चर बनाए थे। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6, वो रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करा दो एल्कली के साथ, तो H4P2O6 बन जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक है H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो P4O10 का हाइड्रोलिस कर दो, जो वाटर से रिएक्शन कराओ तो H3PO4 बन जाएगा। पायरोफॉस्फोरिक है H4P2O7 +5 में है, तो H3PO4 को हीट कर दीजिए, है ना, तो हीटिंग से बनता है, याद है, H2 रिमूव हो जाता है तो H3PO4 में से, और पायरोफॉस्फोरिक बन जाता है ना, तो फॉस्फोरिक एसिड से ही पायरोफॉस्फोरिक बनता है, तो H3PO4 को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, है ना। और इसी से फिर आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बनता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, H3PO3 लीजिए, Br2 के साथ रिएक्शन हीट कर दीजिए सील्ड ट्यूब में, तो HPO3 बन जाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, है ना। सब लोग स्ट्रक्चर वगैरह सब बना चुके हैं आप लोग, है ना, फिर से लिख लेते हैं एक बार, चलिए इतना लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया कंप्लीट? एक मिनट, हो गए चलिए ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट ये सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ नहीं है। जैसे देखो कंपाउंड कंटेनिंग पीएच सिंगल बॉन्ड आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना, जैसे H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया, तो इनमें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या करते हैं इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना, H3PO3 H3PO2 वगैरह हो गया। अच्छा ये सब स्ट्रक्चर ही बता रखे मैंने आपको वापस से, जैसे H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, उसको हीट करो तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है, तो H2O तो रिमूव करना है बस बीच में से, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, H2O रिमूव करो तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ये देखो H4P2O7 है ना, और H4P2O7 को अगर आप हीट करते हैं ठीक है और हाई टेम्परेचर पे, तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जैसे साइक्लिक टाइप का भी होता है, लीनियर टाइप का भी होता है, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये भी आपको बता रखा है, अगर इस टाइप से लीनियर फॉर्म हो जाता है तो उसको पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोल देते हैं, और अगर साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है तो सिंपल मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ही बना रखे हम लोगों ने पहले भी, दोबारा से देख रहे हैं, H4P2O6 हो गया, ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हो, H4P2O5 ये भी स्ट्रक्चर है आपके पास, तो सब स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखे है ना, ये भी पॉइंट लिखाया था मैंने आपको पहले, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फॉस्फोरिक एसिड के, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है ना, जैसे H3PO3 है तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसमें, H3PO4 में और PH3 में, तो +5 और -3 में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, ठीक है ना, तो ये सब स्ट्रक्चर है, आप लोग चाहे तो है ना और डिटेल में आपको देखना है तो अपने पुराने नोट्स 11th वाले देखना है ना, BAN के टाइम पे पूरा डिटेल में सब बता रखा है ना, कि कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कैसे याद रखना है आपको, है ना, तो वहां से आप लोग याद रख सकते हो सब स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना, और अपना NCERT के अकॉर्डिंग तो पूरा हो भी चुका है, तो नाइटन फैमिली अपना कम्प्लीट हो चुका है ना, इतना ही आपको गिवन है ना, नेक्स्ट क्लास में कुछ थोड़े से पॉइंट और बताऊंगा मैं इससे रिलेटेड, है ना, ऑक्साइड और फॉस्फोरस वगैरह देख लेंगे थोड़े से, ठीक है ना, बाकी फिर अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे ग्रुप 16, है ना, अभी तो ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे फिर, चलिए देख लीजिए जल्दी से इतना, है ना, अच्छा कल का क्लास कब है आप लोगों का? 9:30 को है। नहीं, और फर्स्ट क्लास फ्री है क्या आपका या क्लास है तो? नहीं है सर, फर्स्ट में फर्स्ट स्लॉट दोनों का फ्री है, एक मिनट रुको जरा, तो और हाँ नहीं दोनों का ही फ्री है तुम्हारा, जेपीए जेपीपी, और कोई क्लास तो नहीं ना तुम लोगों का किसी का भी? जेपीए जेपी में से कोई शुरू क्लास नहीं पढ़ते, ये जो स्लॉट है वो फर्स्ट स्लॉट में ले लेते हैं आपका, ठीक है, ठीक है ना, 7:30 से 9 वाला, ठीक है, तो चलो मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा वैसे, और याद भी रखना आपको, है ना, फर्स्ट लॉट कर लेंगे अपना कल का, चलिए ठीक है तो।